यहाँ कोई फाइव स्टार होटल है क्या? वो पी लिया जी। अरे चाय पीना था भाई, ये चाय पीना तो हमारा होटल का पियो जी। इससे अच्छा चाय पूरा हिंदुस्तान में किधर भी नहीं मिलता जी। ये चाय का दुकान है? हाँ जी, बनाइए। भाई साहब, मैं जरा पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या? अरे कमाल करते हैं यार, आप पेशाब करेंगे हम देखेंगे, आप नाच का कर मुदते हैं, कमाल का शहर है यार। भाई साहब, मैं सुटकेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलिए ना, नए आए क्या शहर में? बिहार से हैं। ओह, अच्छा एक बात बताइए, एक अजनबी शहर में आप हमको सूटकेस देकर जा रहे हैं, हम लेकर भाग गए तो? शक्ल से तो आप बड़े रईस नजर आते हैं। थैंक यू। देखने से लगता तो नहीं कि आप चोरी कर सकते हैं। अब हाथ मिलाकर सर पर मत बैठो यार, फौरन जाओ तुरंत। थैंक यू भाई साहब। सुनिए, गाना मत गाने लग जाना बाय गॉड। चाय मांगी थी, पार्लियामेंट से आएगी क्या? अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। अजीब शहर है यार, आते आते दिमाग का चक्कर। थैंक यू भाई साहब। आपको क्या लगता है हम आपका थैंक यू सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं? सुनिए, अब हम जा रहे हैं करने, और आप देखिए सूटकेस जी आते हैं। ये न्यूज़पेपर है जी। अरे हमको लगा टिश्यू पेपर है। अरे कहाँ चला गया? अरे एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, कहाँ चला गया भाई? अरे कहाँ चला गया बे? क्या हुआ सर? अरे सर, गलती से एक बेवकूफ आदमी अपना सूटकेस छोड़ गया, हमारा सूटकेस ले गया अपना समझ के। खोल के देखो तो, बेवकूफ कौन है बोले तो। नहीं, दूसरे का सूटकेस और दूसरे की बीवी को हाथ नहीं लगाना। लेकिन वो आपका सूटकेस तो ले गया ना बोले तो। खोलिए। अरे वाह, अपने मटके जैसे पेट पर सूटकेस टिका लिए, बहुत अच्छे। ईट पत्थर। कितने पैसे थे आपके सूटकेस में? सर पैसा तो एक भी नहीं था, दरअसल हमारे दोस्त सिद्धू का टेलीफोन नंबर और पता था, हमको उसी के पास जाना है। चिकन बिरयानी 5 रुपए, बहुत अच्छे भाई, कमाल हो गया। दिल्ली में तो हमको नारा लगाने का 5 रुपया मिला। सुनिए, बैठना किधर है, कुर्सी किधर है भाई? कुर्सी? अरे जवाब ही नहीं दे रहा हो यार, एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। थैंक यू। सुनिए, मेनू कार्ड लाइए। क्या? अरे एक प्लेट बिरयानी दो यार। और सुनिए, बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना। हाँ, अरे हर आदमी को लेग पीस चाहिए, कहाँ से लाऊं? एक मुर्गी में दो ही लेग होते हैं बस। हमारे यहाँ तो 4 होते हैं। 4? दो मुर्गी के? ये ले लाइए, ये लीजिए। थैंक यू। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपये में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा, चुपचाप खा ले। अच्छा ठीक है, ज्यादा ताव मत खाओ यार, पंखा चलाओ, बहुत गर्मी लगी है। हेलो, तेरी मैं कालों करके मजाक कर रहे हैं। मारा काहे बे, टाइम ही तो पूछ रहे थे। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? Well, I had a lunch. ए भाई, क्या बोल रहे हैं? I had. दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है, अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कौवा बिरयानी? देखिए, यही है दिल्ली की मशहूर नदी, जिसे लोग छोटी गंगा कहते हैं। अच्छा, यही है? यही है। हम तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। भैया जब दिल्ली में पहली बार आओगे तो पहली बार ही सुनोगे ना। अब देखो, इसमें नहाते ही तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, और एक बार पाप धुल गया ना तो फिर तुम्हारा दोष भी तुम्हें मिल जाएगा। सच्ची? हाँ भाई, तो चलिए फिर आइए। अच्छा एक बात कहे तुमसे, बोला नहीं मानना भाई? बिल्कुल नहीं। अरे इतना बड़ा नदी है, तुम बोल रहे छोटी गंगा। अरे यूपी में होती तो पूरा इलाहाबाद पानी पीता। ए भैया, एक काम करो, जल्दी से तुम अपना कपड़ा उतारो,
और डुबकी लगा दो, नहीं तो राहु का काल चढ़ गया ना तो पाप नहीं तुल पाएगा। अरे उतार रहा है यार, तुम तो ऐसे दौड़ा रहे जैसे साला तिहाड़ से भागे हम। ये बदबू कहाँ से आ रहा है भाई? भैया तूने कल कौवा बिरयानी खाई थी ना, ये बदबू तुम्हारे पेट से आ रही है। अच्छा ये छोटी गंगा का पानी इतना काला क्यों है? भैया ऐसा है ना कि जब से तुम कौवा बिरयानी खा ली हो तब से तुम्हें दुनिया की तमाम चीजें काली नजर आ रही है। सारा चश्मा भी काला पहना। देखो बात सही निकला कि नहीं? तो एक काम करो, अब टाइफाइड नहीं, वस्त्र उतारो और यथाशीघ्र छलांग लगा दो। अच्छा ठीक है। देखो पहली बार बिना साबुन और शैम्पू के नहा रहे हैं तुम्हारी वजह से। अरे दोस्ती के लिए होना ही चाहिए ना, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है भैया कर लेना। अरे जल्दी करो उतारो। चलो जाए सच्चे तुम्हारी कसम, एकदम कसम। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। अबे कहाँ गया बे? भाई तुम कपड़ा लेके भाग गया यार, बताइए तो कैसा शहर है यार, लुट गए साला, कपड़ा तक लेकर भाग गए लोग। काहे का दिल्ली है भैया, दिल तो है ही नहीं किसी के पास। अरे सिद्धू सिद्धू, अरे गणेश गणेश, हमें गणेश भाई, देखो गंदे नाले के सामने साला चड्डी बनियान में खड़े है, क्या हालत कर दिया हमारा इस शहर ने यार। अरे पहचान नहीं रहे हो? अरे हम साला एक साथ पढ़े हैं यार, याद है हमने तुम्हारे जन्मदिन पर क्या गाना गाया था? इश्क कमीना मुश्किल कर दे जीना, पागल लगता है। अरे सुनो यार, अरे सिद्धू, माय गॉड, जब अपना दोस्त ही नहीं पहचान रहा है तो दिल्ली वाले क्या पहचाने। कब लगी तुम्हें चोट? 24 घंटा पहले। अच्छा एक बात बताइए, ये डॉक्टर का डिग्री आपने घूस दे के लिया है क्या? क्यों? नहीं, चोट लगा है सर पर और जांच रहे हो पेट पर। इट्स वेरी हार्ड हियर, लगता है किसी सॉलिड चीज से टकराए हो। बहुत। सिस्टर थिएटर तैयार करो। यस सर। थिएटर? फिल्म दिखाओगे क्या? हाँ। देखो भाई फिल्म में गाना अच्छा होना चाहिए, क्या गाना अगर ठीक नहीं हो तो लड़कियां भी बाहर जाकर सिगरेट फूंकती हैं। सिस्टर सर, इट्स वेरी क्लियर, प्लीज टेक केयरफुल, बी केयरफुल। ओके। अरे इनसे क्या खुसफुस कर रहे हैं आप, इनसे अच्छी तो वो है, देखिए तो कितनी अच्छी है, देखिए तो। चलो अच्छा हुआ एनेस्थीसिया का खर्च बच गया। यस सर। अरे ऑपरेशन थिएटर में पेड़ कहां से आ गया भाई? फटफटी का आवाज आ रहा है, कौवा काव काव कर रहा है, क्या हो क्या रहा है यार? सड़क है? कौन है भाई? साला चोट लगा था सर में, टांका लगा दिया पेट में, इस साला पेट का सर से क्या कनेक्शन है कुछ? अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए तो, मैं देखिए तो ये क्या है? क्या है? मेरे हिसाब से तो ये कमर होनी चाहिए। अरे कमर तो हमारे हिसाब से भी है, निकलो तुम। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक क्वार्टर मिल जाता तो। साला किडनी निकाल लिया है भाई।